नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,870 नए कोरोना केस आए हैं और 378 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। वहीं 24 घंटे में 2,148 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं, यानी कि 2,272 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 18,795 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में नवीनगर प्रखंड की 25 पंचायतों में बुधवार को मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। जितिया पूजा के कारण महिलाओं ने उपवास रखा था और इसका असर पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला। सुबह में वोटिंग का ट्रेंड हालांकि बदल दिया गया था। सभी मतदान केंद्रों पर पहले महिलाओं को वोट देने के लिए आगे किया गया और पुरुष मतदाता बेहद कम संख्या में पहुंचे थे। लगातार आधारहीन याचिकाएं दाखिल करने वाले एनजीओ को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार कर दिया है। एनजीओ स्वराज इंडिया ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष राजीव दहिया पर 2017 में 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया था। यह हर्जाना ऐसी याचिकाओं के जरिए कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि मुझे फिर से नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में होने की योजना बना रही थी, तभी उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घोषणा की है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के प्लेऑफ से पहले अंतिम दो लीग मैच एक साथ खेले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने त्योहारी सीजन के नजदीक आने पर कोविड-19 के लिए कंटेनमेंट दिशा निर्देश को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। बाजारों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद के साथ ही गृह सचिव ने सभी राज्यों को कोरोना गाइडलाइन का ठीक से लागू करने और पालन करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है। देश में सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा रोजगार एक्सचेंज खोलने जा रही है जिसके द्वारा उनके नए सिरे से नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। यह एक्सचेंज 1 अक्टूबर यानी शुक्रवार से शुरू होगा। इसके अलावा सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 4 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी करने को कहा है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर यह निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है। देश में 7 साल की उम्र तक के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीके की सुरक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन का 7 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकी दवा कंपनी की वैक्सीन को देश में कोवावैक्स के नाम से बना रही है। युवा नेताओं की कांग्रेस में एक ही समय एंट्री और एग्जिट से सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी में अपने भविष्य के चेहरों को लेकर कंफ्यूजन है। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जन्मोत्सव के मौके पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस अपने साथ जोड़कर एक साथ कई समीकरण साधने का दाव चल रही है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार आवश्यक उपाय करने के लिए जिला और अन्य सभी स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आग्रह करता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वरिष्ठ अधिकारी पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बहुत लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसके अलावा टीकाकरण और पहले हुए संक्रमण के जरिए किसी समुदाय में विकसित हुई रोग प्रतिरोधी क्षमता तय करेगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कैप्टन का दिल्ली दौरा दरअसल उनकी भावी फैसले पर मुहर लगाने की पटकथा तैयार करने के लिए था। इस कड़ी में कैप्टन को पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा और बाद में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी। शाह से मुलाकात देर रात होनी थी। इसी बीच अचानक पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे से आए भूचाल के कारण तय पटकथा में बदलाव करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जिले के जलालपुर करीरा गांव निवासी किसान कुलवंत से ऑनलाइन संवाद किया। पीएम ने कुलवंत से पूछा कि वो सरसों से तेल बनाकर कैसे बेचते हैं। कुलवंत ने प्रक्रिया बताई तो पीएम ने उन्हें देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअल संवाद के लिए कुलवंत को ICAR दिल्ली में बुलाया गया था। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही अर्चना पूरन सिंह ट्विटर पर छा गई है। हर जगह उनके ही नाम और उनके ही मीम्स देखने को मिल रहे हैं। किसी ने कहा कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा अपसेट अर्चना है, तो किसी ने कहा कि अब उनका करियर संकट में है। इस तरह के और भी बहुत से मजेदार मीम्स अर्चना के ऊपर बने हैं जो बता रहे थे कि अब अर्चना को द कपिल शर्मा शो से जाना ना पड़ जाए।
कांग्रेस हाईकमान भी सिद्धू पर एक्शन के मूड में दिख रही है और हरीश रावत ने पंजाब दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पार्टी ने मंथन जारी कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धू ने अपने फैसले पर अडिग रहने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। योगी सरकार ने प्रमोशन के लिए 5 साल में 36 महीने की गोपनीय प्रविष्टि पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्ण नहीं होने पर प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके मुताबिक राज्य के अधीन सेवाओं में सृजित या उपलब्ध पदों को भरने के लिए मेरिट आधारित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था 27 सितंबर 2019 को निर्धारित की गई है। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 7 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आई है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की झोली भरने वाली है। केंद्र सरकार एरियर और डीए में फिर से बढ़ोतरी समेत कई मांग केंद्र कर्मचारी को भेज सकती है, जो कि मानी जा सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी को 18 महीने के बकाए एरियर और डीए में फिर से 3% की बढ़ोतरी का इंतजार है। आने वाले दिनों में इनके डीए में 3% का इजाफा होना है। पूर्वी तट और मध्य भारत में तेज बारिश के बाद मंगलवार को चक्रवात गुलाब के कमजोर होने से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों पर कम दबाव के क्षेत्र के साथ गुजरात, उत्तरी कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दौड़ में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। शिखर धवन ने 24 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप दौड़ में टॉप पर पहुंच गए हैं। धवन ने संजू सैमसन को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 2566 बुजुर्ग रेलकर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बोर्ड के फरमान पर रेलवे प्रशासन ने 30 वर्ष की नौकरी और 55 साल की आयु पूरी कर चुके रेलकर्मियों की छटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट और कार्य व्यवहार की समीक्षा के बाद ही सेवानिवृत्ति दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफे के बाद बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। सिद्धू ने कहा कि वो हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं है। मेरा राजनीतिक करियर 17 साल का है, जो बदलाव लाने के लिए था, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए था, यही मेरा धर्म है। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में बीते 4.5 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ 64,362 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस निवेश में एक जिले में 4,84,922 लोगों को रोजगार मिला है। अगर देश में भी देखें तो 718 जिलों में से किसी भी एक जिले में बीते 4.5 वर्षों के दौरान इतना निवेश नहीं हुआ। नतीजतन नोएडा देश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश करने वाला जिला बन गया है। वामपंथ के जरिए राजनीति में एंट्री करने वाले कन्हैया कुमार को अपने पाले में करने के बाद कांग्रेस भले ही गदगद महसूस कर रही हो, लेकिन उनके प्रमुख सहयोगी दल राजद में शायद इसको लेकर सजग महसूस नहीं कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि मैं नहीं पहचानता कन्हैया कुमार कौन है। दरअसल कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से पहले पत्रकारों ने एक सवाल राजद प्रवक्ता से पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने उक्त बातें कही हैं। सृजन घोटाला का मास्टरमाइंड माने जाने वाला विपिन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद घोटाले के कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र की अदालत में विपिन को पेश किया था। यहां से न्यायिक हिरासत में रहते हुए उसे फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में शामिल होने वाले विधायक मुकुल रॉय की सदस्यता पर बंगाल विधानसभा के स्पीकर से 7 अक्टूबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की एयर डिफेंस ब्रिगेड इन दिनों रेगिस्तान में अपनी क्षमता को परख रही है। किसी भी मिसाइल फाइटर जेट को हवा में ही तबाह करने में यह मिसाइल पूरी तरह सक्षम है। करीब 6 मीटर लंबी यह मिसाइल जमीन से हवा में 24 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की किसी भी विमान या मिसाइल को तबाह कर जमीनी स्तर सेना को हवाई सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत में कमर्शियल फ्लाइट फिर से शुरू करने की मांग की है। इस्लामिक अमीरात ने DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को पत्र लिखकर काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट फिर से शुरू करने की मांग की है। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पत्र की समीक्षा कर रहा है। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अपना योगदान देने के साथ एक ऐसे करियर ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो आपको एक शानदार मौका मिलने वाला है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने रिमाउंट वेटरनरी कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर पुरुष पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 22 रिपब्लिकन सीनेटर के एक समूह ने मंगलवार को अफगानिस्तान में तालिबान और संगठन का समर्थन करने वाली सभी विदेशी सरकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट सीनेटर जिम रिस्क द्वारा पेश किया गया।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, उमेश यादव, राघव पासवान, प्रहलाद जोशी, मोहम्मद इरफान, पूजा कुमारी, कमलेश कुमार, रूपेश कुमार, कृष्णा कुमार यादव, मिथिलेश कुमार, अविनाश कुमार, चंचल सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए आने वाले समय में देश में पर्व त्योहार के आयोजन की अनुमति देने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।